जनपद उन्नाव में कमिश्नर के आने की सूचना पर डीएम कार्यालय परिसर में हजारों की उमड़ी भीड़। डीएम उन्नाव के कार्यों से जनता नाखुश। अवैध खनन और भ्रष्टाचार समेत जमीन कब्जाने के मामले में डीएम के पास पहले से ही लंबित सैकड़ों मामले जनपद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गरीबों की जमीन पर किया जा रहा है अवैध तरीके से कब्जा। जनपद उन्नाव से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मजरा पीपलखेड़ा परगना हडला निवासी लल्लू स्वर्गीय श्यामलाल जिनकी जमीन पर अवैध तरीके से दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिससे परेशान होकर पीड़ित किसान ने आज जनता दरबार में कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। गरीब किसान का कहना है कि हमारी कुछ जमीन का आदेश तो हो गया है, लेकिन कुछ जमीन का आदेश अभी तक नहीं हुआ, इसके आदेश के लिए लगाई न्याय की गुहार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बल्लू। कहाँ से आए? शुक्लागंज गाँव, हमारा पीपलखेड़ा डेरा वाला। क्या मामला था आपका जो आपको यहाँ पत्र साहब से मिलने की जानकारी ना कर ले आना? हमारा जमीनी मामला चल रहा था, हमारी जमीन पे कुछ लोगों ने गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करवा लिया था, जिनका नाम कटने मुकदमा हमारा तहसीलदार न्याय में चल रहा था, जिस पर तहसीलदार ने ऑर्डर तो किया लेकिन अधूरा किया, और इस सिलसिले में एक महीने से निरंतर अपने तहसीलदार पार्टी दौड़ा रहे हैं। रात 10-10 बजे तक जा रहे हैं, 10:30 बजे तक तहसीलदार तहसील में था। इससे आपका मुकदमा चल रहा है? हमारा मुकदमा चल रहा था दिसंबर व मसरीलाल से, जो कि हमारे परिवार से नहीं है, जिसमें प्रूफ के तौर पर हमने 1984 के एक आदेश की शायद लगाई थी, उसी के आधार पर आदेश हुआ है, लेकिन वो भी आदेश अधूरा हुआ है। 6 खाता संख्या की 6 खाता संख्याओं की नई खाता संख्या 17 बनाई गई, जिसमें कि 2 खाता संख्याओं का उल्लेख किया गया है आदेश में, और 15 जो है छोड़ दिए। कमिश्नर साहब से तो नहीं, लेकिन और लोग वहाँ लिख कर रहे हैं, वो लोगों ने लिख के ये आश्वासन दिया है कि तहसीलदार से जांच करा के आपको कार्रवाई पूरी करेंगे। और इस अधूरे ऑर्डर के बाद में विपक्षी दिसंबर मछरीलाल हम लोगों के जान से मारने के लिए हम लोगों के लिए आदमी लगाते हैं, घर के इर्द गिर्द बहुत चक्कर काटते हैं, असलाहा और ये सब दुनियादारी की हम लोगों के पास खबरें मिल रही हैं, हम लोगों के लिए दाना मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है। हमारा राजस्व का मामला है, जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, अन्यथा हम लोगों में से किसी न किसी की हत्या हो सकती है। गाँव में हमारे चाचा प्रभु रहते हैं। ये कौन है आपके? हमारे चाचा प्रभु हैं और ये गाँव में रहते हैं, तो इसी मुकदमे की रंजिश मान कर इनके घर में 3-4 बार चढ़ाई कर चुके हैं, मारा पीटा और अभद्रता भी की है, जिसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। किन लोगों ने आपको मारा था? विक्रम और मछलीलाल और दिसंबर। अच्छा, इसी जमीनी विवाद को लेकर? और बाहरी की लड़के लाए थे। आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया था इस संबंध में? एसपी के यहाँ। कोई कार्रवाई हुई थी उस पर? कोई कार्रवाई नहीं। दादी क्या हुआ है, आप पूरी बात बताएं। हमारी लाला जमीनी है, तो हमारा मुकदमा चल रहा है, हमारे गलत तरीके से नाम चढ़वा लिया है लोगों ने, हमारे परिवार से नहीं, मामा के लड़के हैं, ये साबित हो चुके हैं कि गलत ही हमारे कोई नहीं, तो हमारा जमीनी मैटर चल रहा है, तो लाला हमारा जो है आधे का ऑर्डर हुआ है, हमारा पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए हम एप्लीकेशन लेके यहाँ, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, और मारने के लिए हमका मातारी पुतन का आदमी लगा रहे हैं घर में हमारे। कौन लोग हैं वो? वो दिसंबर मछली डाल रहे हैं, विक्रम है, कह रहे हैं इनका लड़का गुड़ काट के हम इनका मार देंगे और इनको हम जमीन रस्ट दे रहे हैं, और ऑर्डर कह रहे हैं कि हम ले दे के, कह रहे हैं 10 लाख रुपया ले, अगर लग गई तो वो दे के हम ऑर्डर पंची करवा देंगे। ठीक है जी, रुक जाओ तक।